खूबसूरत हसीन, वहाँ पीछे भी कुछ है। इट्स ब्यूटिफुल। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज दैट यहाँ कोई नहीं है। बहुत ज़्यादा हिल रहा है पेड़ जो है। राजू भाई ने अचानक से तेज ना जैसे गियर छोड़ा अपना। लुक द ब्यूटिफुल फॉरेस्ट। छोटी सी लेक है, ये इट्स एन आर्टिफिशियल लेक। फ्लावर की वैरायटी से यहाँ पे भाई कोबरा कह रहे थे। लुक एट दिस ब्यूटिफुल मीडो यार, बीचों से दरिया, इट्स अ वैली। उधर नीचे से आए हम, गाय भी आ गई प्यारी प्यारी, थोड़ा सा मीडो भी आया। राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूसमल ऑन अ सोलो ट्रिप। एक सोचा था ट्रैक करने जाऊंगा मैं ट्रक दुल्हन का, सो मैं अपनी बाइक नहीं लाया, सो आई टुक लोकल ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले श्रीनगर टू चदूरा एक बस लिया, गाड़ी ली मैंने चदूरा से चहरार शरीफ। नाउ फ्रॉम चहरार शरीफ आई एम गोइंग टू यूस मग इन टाटा सोमो। ये बोल रहा हूँ खूबसूरत से नज़ारे, सो लेट्स सी कैसे पहुँचे। मुझे ना जल्दी निकलना पड़ेगा वहाँ से। द रीज़न इज़ क्योंकि यूसमग से शायद गाड़ी नहीं मिलती वापस के लिए, तो मेरे पास टेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, सो आई डोंट वांट टू गेट स्टक देयर। सो लेट्स गो। सो आई हैव रीच्ड यूसमग एंड फ्रॉम हियर आई स्टार्ट माय ट्रैक टू ट्रक दुल्हन। घोड़े वालों के में लड़ाई लग गई भाई मेरे में, मेरे चक्कर में। सो बट कह रहे हैं कि जंगल है, जंगली जानवर हैं एंड आई एम ऑल अलोन। सो लेट्स सी क्या होता है, ट्रैक तो करना है, मन तो है, इससे पहले भी किया बट अकेले। सो दिस इज़ द यूसमग मीडो इन फ्रॉम द अदर ट्रैक विल गेट स्टार्टेड। सो देयर इज अ चेंज इन प्लान। घोड़ा लेके जा रहा हूँ, घोड़ा वाला कह रहा है मेरे साथ ही चलो, हमारा बहुत देर के बाद नंबर आया है, 10 दिन के बाद में यहाँ टूरिस्ट नहीं आते, सो टू विजिट यूसमग ऑल्सो ताकि इनका भी चले। सो आई एम टेकिंग अ हॉर्स। ट्रैक का तो फिर नहीं, हॉर्स पे चलते बट रास्ते में ट्रैक करेंगे ट्रक दुल्हन का। सो लेट्स गो भाई, घोड़ा ही ले लिया इन गोइंग टू ट्रक दुल्हन। मेरा तो मन था ट्रैक का बट चलो, प्लान्स में चेंजेस वगैरह होते रहते हैं। आई विल शो यू लुक। छोटी सी लेक है, ये इट्स एन आर्टिफिशियल लेक, मैन मेड लेक। और बादल के ऊपर बैठा हूँ, इसका नाम बादल है ना, राजू, राजू के ऊपर। अच्छा पहुंच तो जाएगा ना ये ऊपर, पहुंच जाएगा ना ऊपर घोड़ा, पहाड़ पे जाएगा। अच्छा सो ये है बादल भाई, बादल नहीं भाई ने बोला फुक करो तो घोड़ा चलता है, घोड़ा पंजाबी है। तो खूबसूरत खूबसूरत पेड़ और खूबसूरत सा जंगल। यहाँ पे गाय भी आ गई प्यारी प्यारी, थोड़ा सा वीडियो भी आया और जंगल भी शुरू होने वाला है। सो यार लेट्स गो। राजू भाई थोड़ा तेज हो गया, शाबाश राजू भाई। हाँ खूबसूरत जगह, खामोशी। सच है मुझे लग रहा है ट्रैक करना चाहिए था यार, ट्रैकिंग इज समथिंग डिफरेंट यार, ट्रैकिंग इज समथिंग ब्यूटीफुल। बट चलो वो डीप इनसाइड द फॉरेस्ट, आई थिंक आई गॉट फूल्ड बिकॉज there is a proper path, there are people around here, but he was saying ki that bahut waqt ho gaya hai, I got a booking or something, so theek hai. Aur it's beautiful, the rate was also genuine for the ghoda ab filhal to, so let's see aage kitna rehta hai. Bahut khoobsurat sa jungle. So look at the Raju bhai ne achanak se tez na jaise gear choda apna. Look at the beautiful forest. और इजी ट्रैक है, अगर इफ यू कमिंग ऑन अ ट्रैक, सो इट्स अ इजी ट्रैक, बहुत स्ट्रेट ही, अभी तक तो सारा प्लेन ही था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान है। इरफान तो कहाँ पे पढ़ते हो? अच्छा शक्ल क्यों छुपा रहे हो भैया? हमारा देखता है कोई, शुक्र भाई मसला है। अरे कोई नहीं देखेगा यार, बहुत लोग देखते हैं, हमने दो बार दिया। अच्छा अच्छा, भालू वगैरह देखा आपने? हाँ सब कुछ। यूसमग में आया था, मैंने ट्रिक्स किए लेकिन लगे क्रम से अभी तक कोई भालू टकराया नहीं मुझसे, बकर वाली कुत्ता टकराया था।
यहाँ पे नीचे ट्रक दुल्हन से जो पानी आता है वो भी आ गया, उसकी आवाज़ भी आ गई। एंड बहुत मतलब पानी सबसे खूबसूरत और सुकून देने वाला होता है। सो एक खूबसूरत सा पानी, ये छोटा सा ब्रिज इस पानी को करके क्रॉस। पानी इज़ वेरी सीरीन, पानी सुकून देता है। कल भी आई व्हेन आई वाज इन शिकारा, मैं डल के बीचों बीच पहुँचा ना, आई वाज लाइक इतना सुकून था वहाँ पे, इतना सुकून था अकेले। राजू भाई कहाँ जा रहे हो आप यार? राजू भाई गलत रास्ता ले रहे हो। सो ये ट्रक दुल्हन का पानी आ रहे हैं, विच इज़ वेरी सीरीन माशाल्लाह। पता है मैं ना इस ऐसे रूट है, मैं अपनी बाइक ले आऊँ यहाँ पे, मतलब इससे ज़्यादा टफ रूट पे मैंने चलाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इधर भी मैं ले आऊँ, यहाँ तक बाइक में ला सकता हूँ जो सारा रूट था ना। पर चलो कभी इंशाल्लाह, अभी अनप्लान्ड आए थे। सो लेट्स गो। राजू भाई इज़ एन एक्सप्लोरर, रास्ते एक्सप्लोर कर रहे हैं। राजू भाई बस शेर के मुँह में या फिर भालू के मुँह में ना ले जाना मेरे को यार, क्योंकि हाँ मेरा मेरे शौक है ऐसे ही मरने के। भाई कहाँ जा रहे? इधर आ जा यार, चल ले भाई। राजू भाई चलो, शाबाश, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। लुक एट दिस ट्री, कितना ज़्यादा बड़ा है। कैमरा में कम लग रहा है बट ये बहुत बड़ा है और बहुत मोटा। सो ये आ गया द्रक दोलन का जो पानी यहाँ पे है, इसके आगे मैदान है, तो एक डेढ़ किलोमीटर और आगे अभी। सो दिख तो रहा है इसके पीछे बहुत खूबसूरत भाई घोड़े भाई। सो लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम हेयर, दिस इज द्रक दोलन। लेकिन इससे अभी थोड़ा सा आगे है भाई। तू राजू भाई तू मेरे को निगराना यार। सो लुक दिस इज द्रक दोलन, माशाल्लाह। जस्ट लुक, यहाँ से स्टार्ट होता है, अभी वी हैव टू गो थोड़ा और आगे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल यार, इट्स वेरी पीसफुल। राजू भाई को यहाँ थोड़े और घोड़े दिख गए, तो राजू भाई का वैसे घोड़ियाँ दिख गई, राजू भाई का मन फिसल गया। राजू भाई इधर चल यार, इस साइड नहीं जा रहा भाई, क्या करें भाई, हर किसी के अपने शौक हैं। चलो लुक हाउ सीरीन इट इज, और हॉर्स राइडिंग इज नॉट दैट मच ईजी जब उतरता है ना। आई रीच द लोअर द्रक दोलन, बहुत खूबसूरत सा ये, यू कैन कॉल इट अ वैली, बहुत खामोश। बस यहाँ पे जो लोकल यहाँ पे गुजर का बकरवाल कम्युनिटी है वही है और कोई नहीं है। फल शो यू लोग को वहाँ से पानी आ रहा है, ये घोड़ा जो घोड़े वाला भी है साथ, एंड ये है नीचे मिडो, ये खूबसूरत सा पानी एंड खूबसूरत सी जगह, खामोश सीरीन, भैंसे बहुत सी हैं, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे फल शो यू फ्लावर की वैरायटी से, यहाँ पे भाई कोबरा कह रहे थे। लुक कितनी खूबसूरत है नेचर यार, आई वॉन्ट तोड़ूंगा नहीं इसे मैं, बिल्कुल सांप कोबरा जैसा दिखता है। ये साथ स्ट्रॉबेरी के फ्लावर्स है, दिस इज स्ट्रॉबेरी, अभी लगी नहीं है इस पर तो बड़े होके लग जाएगी, हर जगह स्ट्रॉबेरी लगी है। अनदर कोबरा, सो लुक द फ्लोरा एंड फौना इज वेरी डिफरेंट हेयर, वेरी ब्यूटीफुल हेयर। सो लुक यार, लुक 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 लुक, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो 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 ब्यूटीफुल। एंड पानी, वैसे पानी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है जैसे होता है ग्लेशियर वाटर जो होता है, जैसे पहलगाम और सोनमर्ग में था, लेदर का पहलगाम में और सिंध का सोनमर्ग में बालटल में। बट इट्स ब्यूटीफुल, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज दैट यहाँ कोई नहीं है, वो सबसे खूबसूरत है। मैं अकेला हूँ और घोड़े वाला है मेरे साथ, तो मैं और भाई अब पैदल जा रहे हैं, घोड़ों को थोड़ी सी रेस्ट दें, हम भी थोड़ा सा ट्रिक करें खूबसूरत सी जगह पे। चेक की नेचर खुद को कैसे कहीं से भी रिवाइव कर लेता है। लुक एट दिस ट्री, पत्थर में लगा हुआ है यार, दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अपर द्रक दोलन, तो वो आगे सामने अपर द्रक दोलन आ रहा है। देखो पेड़ों के, भाई मैं एक टांग बचा लेना राजू भाई, तो खूबसूरत पानी के साथ साथ चल रहे हैं, सामने मैदान तो दिख रहा है। सो दैट्स द अपर द्रक दोलन, तो वहाँ जाके आई विल शूट अगेन।
तो वी हैव रीच्ड दरग दौलान, यहाँ पे एक ब्रिज आया है लकड़ी का खूबसूरत सा, दैट्स द दरग दौलान मीडो, आई शो यू फ्रॉम देयर, जस्ट स्टे विद मी ब्रदर्स। राजू भाई, राजू भाई, राजू भाई, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मीडो, जो कि पूरा खाली है यार। दिस इज वॉट ट्रैवलिंग इज फॉर मी, वहाँ जाना जहाँ हर कोई नहीं जाता, ना जा सकता है ना जाना चाहता है। यहाँ पे बस एक गुजर बकरवाल कम्युनिटी, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटिफुल मीडो यार, नीचे से दरिया, इट्स अ वैली, उधर नीचे से आए हम। हाउ ब्यूटिफुल इज दिस, जस्ट लुक, मेरा कैमरा खुद ब खुद ऑन हो गया यार इस मीडो को देख के। हाँ, दिस इज द अपर दरग दौलान, विच इज द मेन दरग दौलान। अब यहाँ से आगे जाता है रास्ता बरगा वैली को, देन बरगा वैली के आगे जाता है, वहाँ से सनसेट पीक होती है वो, जो कि बहुत ज़्यादा हाइट पे है सनसेट पीक, बट फिर उसके आगे पुंछ शुरू हो जाता है। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मीडो यार, पे आके कैसे फ्लोर एंड फौना भी थोड़ा तब्दील हो गए, इस पेड़ को देखिए, इट्स जस्ट लाइक अ छतरी। लाइफ इज ब्यूटिफुल अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जस्ट लुक एट द ब्यूटिफुल प्लेस, द पीसफुल, द सोलफुल जगह। एक साइड पे खूबसूरत सा दरिया, इस साइड ऊंचे ऊंचे, नॉट ऊंचे ऊंचे, प्लेन मीडोज, आगे भी एक खूबसूरत सा मैदान। लुक, आई विल टेक सम रेस्ट एंड वी विल कंटिन्यू डिसेंडिंग बैक। इतने खूबसूरत से ये यहाँ पे हमने थोड़ा रेस्ट किया, अब वेल थोड़ा यहाँ पे बैठेंगे, इन ये खूबसूरत से लिली फ्लावर्स लगे, बकरे वाले कुत्ते भी आ गए वहाँ पे, देखिए बकरियाँ कितनी सारी चरने के लिए आ गई, और ये बकरियाँ, ये कुत्ता जो है इन्हीं बकरियों के साथ साथ आए इनकी हिफाजत के लिए। I'll zoom it. चलो शुक्र है कुत्ते चले गए। मैं लेके आया था राजू भाई खा रहे, राजू भाई ने बहुत मेहनत की, थैंक्स राजू ब्रो। बादल भाई ने खा रहे, थैंक्स राजू ब्रो, थैंक्स, खा ले भाई आराम से। तो आई एम गोइंग अप देयर, वहाँ पे थोड़ा ना हाइट लग रहा है, मैं भी आगे थोड़ा और बड़ा मीडो हो दिख जाए खूबसूरत सा, सो लेट्स सी इसके उस साइड क्या है, पहाड़ों के उस पार, जैसे इम्तियाज अली की हर मूवी में उस पार का इस्तेमाल किया गया है, पहाड़ के उस पार मैंने जाना है, उस पार जिंदगी बादलों के उस पार एक जहां है। यहां पे और वैसे ही मैदान है खूबसूरत हसीन, वहां पीछे भी कुछ है, वो कितनी पीछे तक है ये, लुक वहां पे बकरियां भी हैं ढेर सारी। So look at this beautiful पानी जो वहाँ पे जा रहे हैं, और एक छोटा सा आइलैंड टाइप, दोनों तरफ इसके पानी है, यहाँ से भी और वहाँ से भी, एंड इट्स ब्यूटिफुल, इट्स पीसफुल हियर। बहुत ज़्यादा हिल रहा है पेड़ जो है, आई होप ये पत्थर ना स्लिप करे। वहाँ पे ऊपर गुजर बकरवाल भैंसे वगैरह है, हा, बस कुत्ता ना आए यार, इन बकरियों के पास थोड़ा सा जा देंगे, फ्रॉम हियर कुत्ता नहीं होना चाहिए, बस और कोई सीन नहीं है। लुक बकरियों के बिल्कुल पास, हाँ बहुत सारी बकरियाँ, ओह यहाँ से तो बहुत प्यारा आगे मीडो है। लुक वहाँ पे कितनी पीसफुल, कितनी खूबसूरत सी वैली है, ये बीच से पानी आ रहा है, एंड ये मीडो काफ़ी पीछे लग जाता है, एंड वहाँ पे पीछे आई कैन शो यू इन द कैमरा, ये पीछे पहाड़ है, ये बादल नहीं है, दिस इट्स अ माउंटेन,
पीछे वहाँ पे बकरियाँ भी हैं। सो अब आई गो बैक, मेरा घोड़े वाला भाई वो जा रहा है, घोड़े वहाँ पे बैग में वहीं पे छोड़ आया। सो दिस वॉज रक्तोलान, यहाँ से ऊपर जाता है बरगा मीडो को रास्ता, बरगा वैली, बरगा के बाद जाता है सनसेट पीक को, और सनसेट पीक से दिख भी रही है सनसेट पीक। कैमरामैन घोड़े वाले भैया प्लीज़ सनसेट पीक को ज़रा दिखाओ, वो वहाँ पीछे है, मैं बाद में दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ दिस दैट्स नहीं सनसेट पीक नहीं है, कुछ तो है, ऊँचे पहाड़ तो हैं, अब पता नहीं कैमरा में आएगा नहीं आएगा। ये है ये दिस वन, सो दिस वॉज, तो कैमरा वाले भैया वापस पकड़ो फ़ोन, और सो दिस वॉज रक्तोलान फॉर यू। सनसेट पीक के बैक साइड पुंछ पड़ता है, पुंछ रजौरी पड़ता है। सो आई विल एंड माई व्लॉग हियर। अगर आप भी इसी तरह ऑफ बीट लोकेशंस, खूबसूरत जगहें जहाँ हर कोई नहीं जा सकता, ना जाना चाहता है, देखना चाहते हैं वर्चुअली, तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग लास्ट में, कि कभी भी यहाँ आए तो कचरा ना फैलाएं, कचरा ना फैलाएं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।